जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझसे बहुत ही ज्यादा ये सवाल किया था कि सर छोटी लड़की को कैसे इम्प्रेस करते हैं, जो हमसे छोटी होती है उसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, कैसे उसे पटा सकते हैं। तो चलो जो बातें मैं समझता हूँ, जो बातें मैं जानता हूँ, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मगर हाँ, छोटी लड़की से मेरा मतलब है आपसे जो छोटी हो एज में। कई बार होता है डिस्टेंस हो जाती है। वेल, तो जो बातें मैं आपको समझाऊंगा इस बातों को पॉइंट बाय पॉइंट आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हमें कोई लड़की पसंद आती है तो हम क्या करते हैं, जाकर उसे अप्रोच करते हैं, उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं और कई हद तक हम उसे इम्प्रेस कर भी लेते हैं। मगर छोटी लड़की में ये प्रोसेसर कभी काम नहीं करता। आप डायरेक्टली उसे अप्रोच करोगे तो वो घबरा जाएगी, या तो डर जाएगी या तो फिर वो वहाँ से चली जाएगी। उसको पटाने का या फिर कहा जाए उसे अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे इंटरटेन करिए। सबसे पहला काम होता है कि उनसे दोस्ती करना होता है, ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ाना पड़ता है जिससे कि आप उससे इंटरेस्टिंग लगो, उसके सामने इंटरेस्टिंग बातें करो और आपकी बातों में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिसको सुनकर वो हंस दे। जी हाँ, हंस दे। अगर वो हंस देती है ना तो यकीन मानिए भाई वो आपसे इंप्रेस होकर रहेगी, क्योंकि इन टाइप की लड़कियों को ना हंसी मजाक करना, खुश रहना, इंटरटेन होना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप उसकी तारीफ भी कर रहे हो ना तो उसकी तारीफ मत करो, उसकी पसंद की तारीफ करोगे तो 100% है कि वो आपके बारे में कुछ ना कुछ थॉट या फिर कुछ ना कुछ थिंग्स करने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी ये ड्रेस बहुत प्यारी है, ये तुम्हारी चॉइस है, क्या बात है यार, अरे तुम्हें पता है तुमने जो बैग लगा रखा है ना, बैग जो मतलब टांग रखा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है तुम पे यार, तुम्हारी सच में पसंद ना एकदम अच्छी है, तुमने जो इयररिंग्स पहन रखी है अपने कान में छोटी छोटी, ये भी तुम पे बहुत ही ज़्यादा खिलता है। ऐसे में क्या होगा कि वो आपके सामने एकदम कंफर्टेबल फील करेगी, उन्हें अच्छा लगेगा कि मतलब ये जो बंदा है ये काफी अच्छे तरीके से मुझसे बातें करता है और उसको वही चीजें पसंद है जो मैं अपने सजेस्ट करती हूँ अपने आप को या फिर अपने आप को पसंद करती हूँ। तो ऐसे बंदे से बहुत ही जल्दी इंप्रेस भी होती है, अट्रैक्ट भी होती है। भाई यकीन मानो, एक बार ट्राई करके देखो, आप खुद मान जाओगे इस बात को। दूसरा पॉइंट, उसकी फेवरेट चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाओ। जिस चीज़ वो पसंद करती है ना उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट दिखाना है ताकि उसको लगे कि ये इंसान बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। अब उसकी सोच कैसी भी हो ये मैटर नहीं करता है, मगर उसे सोच से हल्का सा अपने आप को अटैच करना है, थोड़ा सा मैच करवाना है ताकि उसका इंटरेस्ट आपके तरफ आने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे सिंगिंग करना पसंद है तो आप बोलिए कि यार तुम्हें पता है तुम सिंगिंग ना बहुत अच्छा करती हो, बस तुम्हें ना क्लासेस की ज़रूरत है, तुम्हारी आवाज़ ना बहुत अच्छी है, या फिर तुम जो पेंटिंग करती हो ना तुम्हारी ये पेंटिंग में बहुत अच्छे कलर्स आते हैं, तुम्हें कलर्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इससे क्या होता है कि आप उससे अच्छे लगने लग जाते हो, उससे वो ना चाहते थॉट करती है कि मतलब इंसान अच्छा है यार, मतलब कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं करता है, अगर ऐसा इंसान मेरा बॉयफ्रेंड हो तो जाहिर सी बात है मुझे किसी और की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ऐसे भी आप उससे इम्प्रेस कर सकते हो। तीसरी बात, आप चाहो ना तो उसकी तारीफ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तारीफ करने से मेरा मतलब है वैसे हाई लेवल की तारीफ नहीं, नॉर्मल तारीफ कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप उसे छोटे मोटे गिफ्ट भी दे सकते हो जिस गिफ्ट में वो एक्सेप्ट भी कर ले और ज़्यादा हॉपलेस भी ना हो। ऐसे वो बड़ी गिफ्ट मत दे देना भाई जिसको लेने से पहले वो 10 बार सोचे। जैसे कि आपको उसको पता है कि मतलब इसको ना बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद है, तो मैं इसे कोई नॉर्मली चॉकलेट ला दूंगा जो भी आप डिजर्व मतलब जो भी आप अफॉर्ड कर सकते हो, 20-30 जितने वाली भी नॉर्मल चॉकलेट। अगर उसे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप उसे कलर्स ला के दे सकते हो। अगर उसे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि नॉर्मली शूज होते हैं, नॉर्मली मतलब कुछ भी ऐसा प्यारा सा गिफ्ट जिसको आपको लेकर के अटैचमेंट पैदा हो, और जितना हो सके ना उसी के सामने ना जोक क्रैक करने की कोशिश करना, उसे इंटरटेन के साथ साथ हंसाने की कोशिश करना, उसको लगे कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा फनी है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है। यकीन मानिए उसका अटैचमेंट आपसे बढ़ते जाएगा जब वो आपकी बातों पे हंसा करेगी ना, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अब इसी के साथ साथ आखिरी में एक प्लस पॉइंट बोलूँ मैं आपको, उससे दोस्ती कर रहे हो, उससे तो बात कर रहे हो, जितना हो सके उनके फ्रेंडों के साथ भी फ्रैंक रहिएगा, उनके फ्रेंडों के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन बनाना कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपको बातें करने आता है, आपको पता है कि किसी इंसान से कैसे बात करना चाहिए, ताकि उसको ऐसा लगे उस लड़की को कि ये लड़का मेरी को भी नहीं ये सबको पसंद है यार, और ऐसा इंसान मुझे क्यों नहीं पसंद होगा। यकीन मानिए वो ना आपसे इंप्रेस होना तो मुझे कहिएगा। और सुनिए, ये वीडियो को मैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा, आप लोगों का जब सवाल हद से ज़्यादा हो गया ना तो मैं कहा चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना तो बनता ही है।
एंड आई होप आप इस वीडियो का सही मतलब निकालोगे, कुछ गलत नहीं, ठीक है मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गाइस फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। हो सके तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। और दोस्तों देख रहे हैं आजकल वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, गलत बात यार, शेयर किया करो प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।